Liverpool defeated Arsenal 3-1. क्या कोई तरीका है इस लिवरपूल टीम को हराने का या नहीं? Find out in this video. Hello guys, thanks for tuning in. मैं हूं आपका होस्ट ऋषभ एंड आप सभी का स्वागत है स्पोर्ट्स गीक में। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल। द मैच वाज लास्ट नाइट एंड लिवरपूल ने आर्सेनल को 3-1 से हरा दिया और टेबल के सेकंड पोजीशन पे पहुंच गए हैं अब लिवरपूल। दे हैव वन 3 out of 3 फिक्स्चर्स इन द प्रीमियर लीग दिस सीजन एंड आर जस्ट बिलो लेस्टर सिटी हु आर ऑन टॉप विद सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या गलती हुई कल आर्सेनल से एंड क्या अच्छी काम किए हैं लिवरपूल ने उस मैच में, और हम जानेंगे दैट वेदर एनीबॉडी और एनी टीम इन द प्रीमियर लीग कैन डिफीट दिस लिवरपूल साइड और नॉट। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड टू फाइंड आउट ऑल ऑफ इट। एज यूजुअल लिवरपूल स्टार्टेड देयर गेम विद अ हाई प्रेसिंग और आर्सेनल का जो डिफेंस था वो पूरा बैक होकर खेल रहा था और अगेन माइकल आर्टेटा स्टिक्ड टू हिज गेम प्ले ऑफ प्लेइंग द बॉल फ्रॉम बिहाइंड, और उसी का लिवरपूल ने बहुत बार फ़ायदा उठाने की कोशिश करी। बार बार लिवरपूल आगे जाकर उनका जो गेम प्ले था आर्सेनल का वो ब्रेक कर दे रही थी बिकॉज दे वर प्रेसिंग 4 लिवरपूल प्लेयर्स ऑन 3 आर्सेनल प्लेयर्स। तो अगर आप 4 प्लेयर प्रेस करेंगे आर्सेनल के डिफेंस पे और वो भी आप बॉक्स में एक दूसरे को पास कर रहे हैं तो थोड़ी मिस्टेक्स तो हो ही जाती हैं प्रेशर में, और वही देखने को नज़र आया आर्सेनल की तरफ से। हाउएवर इट वॉज आर्सेनल हु गॉट द ब्रेक थ्रू। आर्सेनल ने वंस अगेन दे क्रिएटेड द गेम प्ले फ्रॉम द बिहाइंड एंड दे सक्सीडेड इन स्कोरिंग अ गोल। हाँ, वहाँ पर एंड्रू रॉबर्टसन की गलती तो थी क्योंकि एंड्रू रॉबर्टसन के पैर से बॉल लग के वापस लाकाज़ेट के पास पहुँच गई और वहाँ पे लाकाज़ेट ने कोई गलती ना करते हुए बॉल को पहुँचा दिया गोल की नेट में। तो वहाँ पे अच्छा काम किया लाकाज़ेट ने, मगर एंड्रू रॉबर्टसन की गलती एक बार फिर से हुई है और लिवरपूल की ये गलती हम लोग को बार बार देखने को मिल रही है। कभी वर्जिल वैन डाइक गलती करते हैं, कभी एलिसन बेकर करते हैं। हाउएवर द टीम इज सो स्ट्रॉन्ग, मेंटली जो टीम स्ट्रॉन्ग हो चुकी है लिवरपूल की, वो ये ओन गोल और ये मिस्टेक से अपने आप को इफेक्ट नहीं होने देते हैं एंड दे जस्ट गो ऑन टू स्कोर मोर गोल्स, और वही हुआ इस मैच में। तो यहाँ पर तो आर्सेनल ने अच्छा फ़ायदा उठाया, लिवरपूल की जो डिफेंसिव लाइन थी वो ऑलमोस्ट मिड के तरफ खेल रही थी तो वहाँ पे लिवरपूल का फ़ायदा उठाया आर्सेनल ने, मगर फिर आर्सेनल को जो अटैक किया है लिवरपूल ने उसके बाद आर्सेनल उनको कंट्रोल ही नहीं कर पाई। वहाँ से ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड थे और यहाँ पे नाबी केटा थे, अगर वहाँ पे ज़ाका बीच में आ जाते और वो बॉल इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते तो शायद वो पहला गोल लिवरपूल का नहीं गलता, मगर ज़ाका लेट हो गए और वहाँ से अलेक्जेंडर ने केटा को बॉल दी, केटा कंट्रोल नहीं कर पाए बट बॉल पहुँच गई मोहम्मद सलाह के पास। मोहम्मद सलाह जस्ट रन विद द बॉल इनसाइड द बॉक्स एंड टियर्नी कुडंट हैंडल हिम, ही वॉज स्कैट दैट इफ आई टच हिम ही विल बी फाउल्ड एंड इट वॉज इनसाइड द बॉक्स सो टियर्नी डिडंट टच हिम, ही जस्ट लेट हिम गो एंड वहाँ से सलाह टुक अ शॉट एंड द बॉल डिफ्लेक्टेड एंड केम बैक टू साडियो माने हु वॉज प्रेजेंट ऑन द अदर पोस्ट ऑफ द गोल, और साडियो माने ने कोई गलती नहीं करी वहाँ पर और गोल मार दिया। तो साडियो माने की वहाँ पर जो गेम प्लान था, अगर आपने देखा हो मोहम्मद सलाह था, मोहम्मद सलाह ने एक और टच लिया तो साडियो माने डिंट स्टॉप वेयर ही वॉज, ही वेंट अहेड टू दी फार पोस्ट क्योंकि उसको पता था अगर कोई डिफ्लेक्शन लग के बॉल आएगी तो उसको चांस मिलेगा एंड वही हुआ और गोल पड़ गया आर्सेनल पर। द स्कोर वॉज 1-1 विद इन 2 minutes आई थिंक, और फिर उसके बाद लिवरपूल ने एक और गोल मारा, वहाँ से ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड ने क्रॉस किया और यहाँ से साडियो माने ने एक बार फिर से चालाकी करते हुए बॉक्स में बढ़ गए
और जब वो बॉक्स में बढ़े तो उनके साथ दो तीन आर्सेनल के डिफेंडर्स भी पहुंच गए और वहां से एंड्रू रॉबर्टसन पीछे से रन करते हुए आए। और जब तक विलियन ने देखा कि एंड्रू रॉबर्टसन रन करते हुए आ रहे हैं, By that time it was too late for Willian to cover him and to intercept the ball, and the ball came directly to Andrew Robertson and he became the hero of the match within 9 minutes. From villain of the match to hero of the match, that is the mentality of this Liverpool team. And फिर last में आके Diego Jota ने भी कमी पूरी कर दी, 3-1 का scoreline पहुँचा ही दिया। Diego Jota scored his first debut goal फॉर लिवरपूल एंड Diego Jota को वुल्स से साइन किया है। क्या ही साइनिंग रही है ये लिवरपूल टीम के लिए। अब आप साडियो माने भी बाहर आ सकता है और उसकी जगह Diego Jota जा सकता है जो कि आपका गोल स्कोरिंग ऑप्शन है। तो बहुत ही अच्छी लग रही है ये लिवरपूल टीम। और अगर हम देखें तो आर्सेनल की कोई गलती भी नहीं है, दे डोंट हैव एनी मिडफील्डर हु कैन कंट्रोल दी गेम। Ceballos came in the second half, later in the second half, and we saw how suddenly the game changed. जब 2-1 का scoreline था, Lacazette को Ceballos ने through pass दिया and Lacazette failed to score that goal. If Lacazette could have scored that goal, we might have got different scoreline for this match. However, that couldn't happen. Lacazette missed the opportunity and brilliant save from Alisson Becker who held his ground. Lacazette took right touch little to take a shot, but proper cover from Alisson Becker. Amazing defense and amazing goalkeeping from Alisson Becker there. And because of that, Arsenal's whole momentum and confidence just went down because अब उनके पास जो गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी मिली थी, जो इतनी मुश्किल से गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी मिली थी, वो मिस हो गई तो पूरा कॉन्फिडेंस टीम का लो हो गया था। और उसके बाद Diego Jota ने उसको और मुश्किल कर दिया क्योंकि उन्होंने स्कोर कर दिया थर्ड गोल लिवरपूल के लिए। तो अब हम जानेंगे कि क्या इस लिवरपूल टीम को हराने का कोई तरीका है। तरीका तो है, एंड दैट इज द वे आर्सेनल क्रिएट स्कोर्ड देयर फर्स्ट गोल। अगर आपने देखा हो कि पास प्रॉपर गए थे और पासिंग से जैसे ही थोड़ा सा वो पॉकेट में स्पेस क्रिएट हुआ था, वहाँ से थ्रू बॉल निकाल के वहाँ से आप इस लिवरपूल टीम को हर्ट कर सकते हो। मगर उनके जो फुलबैक्स हैं वो जल्दी ही पीछे आते हैं, दे कैन कवर बैक क्वाइट क्विकली, तो वहाँ पर दूसरी टीम्स को प्रॉब्लम हो सकती है। मगर अगर हम देखें अभी करेंटली इन द प्रीमियर लीग, द टीम हु कैन ब्रेक दिस फॉर्मेशन ऑफ लिवरपूल इज ओनली मैनचेस्टर सिटी। अपार्ट फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी आई डोंट सी एनी टीम हु हैव क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स और स्क्वाड हु कैन रीच द लेवल ऑफ लिवरपूल। क्योंकि लिवरपूल अभी बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है और लिवरपूल को हराना बहुत मुश्किल हो चुका है क्योंकि वो अपनी प्रॉपर फॉर्मेशन में रहते हैं। अगर आप उन पर चढ़कर खेलेंगे तो वो उनका डिफेंस भी अच्छा है, और अगर आप पीछे से गेम बनाकर खेलेंगे तो वो आपको और ज़्यादा प्रेस करेंगे। और वही कल हमको देखने को मिला। इवन क्लॉप सेड दैट ही लव्ड द परफॉर्मेंस ऑफ लिवरपूल एंड इट वॉज जस्ट ब्रिलियंट। दे रूल्ड द गेम, दे हैड द पोजेशन, हाइएस्ट पोजेशन इन द गेम, एंड इट वॉज ब्रिलियंट फ्रॉम लिवरपूल। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर अभी आपने देखा हो, Thiago कल नहीं खेल रहे थे। Thiago के बगैर ये लिवरपूल की टीम विंग से खेलती है, मोस्टली ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड क्रॉस करते हैं और वहाँ से एंड्रू रॉबर्टसन भी आपको कुछ क्रॉसेस देते हैं, मगर अभी मिडिल से गेम नहीं चल रहा है। बट जब Thiago इस टीम में आ जाएंगे, अब Thiago एक ही गेम खेले हैं, अब Thiago खेलेंगे तो Thiago और Firmino जब मिडिल से अटैक करेंगे, देन देयर विल बी मच मोर चांसेस ऑफ स्कोरिंग गोल्स फ्रॉम मिडिल ऑफ द बॉक्स एंड देन दिस लिवरपूल टीम विल बी लीथल। इट विल बी, दे विल बी अनस्टॉपेबल, नो वन विल बी एबल टू स्टॉप देम बिकॉज दे विल बी फायरिंग क्रॉसेस फ्रॉम द विंग्स, दे हैव अमेजिंग फुल बैक्स एंड देन इन मिडिल दे हैव Firmino एंड दे हैव Thiago एंड Fabinho, Virgil van Dijk, Gomez, all of them can defend well. So वहाँ पे Thiago और Firmino
एक्चुअली बहुत अच्छा गेम बनाकर सलाह और माने को, जैसे हम लोग ने देखा बायर्न म्यूनिख की टीम के आगे तीन तीन चार चार प्लेयर जाते हैं, वैसा सेम हमको गेम यहाँ पे भी लिवरपूल से देखने को मिल सकता है। तो केवल एक ही चांस है लिवरपूल को हराने का, और वो है उनका जब फुल बैक्स एंड सेंटर बैक्स जब ऊपर आ जाते हैं तब उनको, जैसे बायर्न म्यूनिख की तरह आप लॉन्ग बॉल खिला सकते हो, बट लॉन्ग बॉल माइट नॉट रीच दी प्लेयर बिकॉज वर्जिल वैन डायक एंड अदर प्लेयर्स आर क्वाइट टॉल एंड दे कैन विन दी ड्यूल। हाउएवर यू कैन प्ले अ थ्रू बॉल फ्रॉम दी पॉकेट ऑफ स्पेस, मगर उसके लिए आपके पास अच्छा मिडफील्डर होना बहुत ज़रूरी है, एक मिडफील्डर जो आपकी पूरी मिडफील्ड को संभाले और पास कर पाए आगे वाले प्लेयर को, जो कि रन ले सके, और वो जो आपका स्ट्राइकर है वो भी आपका तेज होना चाहिए। अगर वो स्ट्राइकर तेज नहीं है तो वर्जिल वैन डायक, गोमेस, कोई ना कोई तो उसको टैकल करके गोल बचा ही लेगा। तो यही एक तरीका है लिवरपूल की टीम को हराने का। अब हम आगे देखेंगे कि कैसा खेलती है ये टीम। लुकिंग एट द करेंट परफॉर्मेंस ऑफ लिवरपूल आई फील दैट वंस अगेन दे माइट विन द लीग, बट इट्स टू अर्ली टू से बिकॉज इन लेटर ऑफ द सीजन देर माइट बी इंजरीज और एनी इशू, बट लुकिंग एट द करेंट स्क्वाड्स ऑफ ऑल द टीम्स आई फील ओनली मैनचेस्टर सिटी इज द टीम हु कैन डिफीट दिस साइड ऑफ लिवरपूल। सो दिस इज माय मैच एनालिसिस ऑफ आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल एंड एनालिसिस ऑफ लिवरपूल टीम, हाउ कैन यू बीट देम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये लिवरपूल टीम को हरा सकती है कोई टीम, और कौन सी टीम हरा सकती है इस लिवरपूल टीम को। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन YouTube, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द प्लेटफॉर्म एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। और इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, देन डू फॉलो द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स गीक, क्योंकि मैं रोज कुछ ना कुछ वीडियो आपके पास लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब करना और फॉलो करना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ना भूलें। मैं जल्दी वापस आऊँगा अपने नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे होम एंड कीप वॉचिंग स्पोर्ट्स गीक।